आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे वाह यार, ये बढ़िया न्यूज है। इंडियन रेलवे जो है उसने फर्स्ट एवर फूड ट्रक पुणे रेलवे स्टेशन पे लॉन्च कर दिया है। फूड ट्रक आप समझते हैं ना, अब तो बहुत कॉमन हो गया है, ट्रक्स होती हैं, सब खाना मिलता है वहां पे, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज ने फर्स्ट एवर फूड ट्रक पुणे रेलवे स्टेशन पे लॉन्च कर दिया। हम इस न्यूज पे नजर डालेंगे, क्या बढ़िया। मुझे देखिए, आई एम अ ट्रेन लवर, अगर मुझसे कोई पूछे ना, मैं पर्सनल बता रहा हूं अपना, कि आपको एरोप्लेन से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो आई विल ऑलवेज चूज ट्रेन। हालांकि कभी कभी मैं समय बचाने के लिए फ्लाइट से जाता हूं, बट ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं। घाट सेक्शन से होते हुए, सुरंगों से होते हुए, पुल से मजा आ जाए। प्लेन में क्या यार, बादलों के ऊपर उड़ता है बस, वो टेक ऑफ करते समय मजा आता है, उसके बाद कुछ मजा नहीं आता। तो रेलवेज इज ऑलवेज बेटर, और फिर चीप भी है, सस्ती भी है। तो भारत ने, मतलब इंडियन रेलवेज ने फूड ट्रक जो है वो पुणे रेलवे स्टेशन, ये पहला है। देखिए ये और भी आएंगे, हालांकि अब तो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती ही है, आप रेलवे में खाना भी बुक करा सकते हैं। अभी COVID-19 में बंद है दोस्तों, तो इस न्यूज पे नजर डालेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। यार सारी क्वेरीज आंसर कर देता हूं, कुछ लोगों को कंप्लेन रहती है कि मैं जवाब नहीं देता। यार बस देखो, उनको जवाब नहीं देता जो हाय और हेलो कहते हैं। आप अपनी क्वेरी सवाल पूछो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है, तो इसीलिए आप सवाल पूछो, भले ही 1-2-3 दिन लेट हो जाए, लेकिन सब आंसर कर देता हूं। तो इंडियन रेलवेज ने फर्स्ट एवर फूड ट्रक पुणे रेलवे स्टेशन में लॉन्च कर दी है। तो अब देखिए, पुणे, इनफैक्ट महाराष्ट्र और गुजरात में भी आपको वड़ा पाव मिलेगा, सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन वड़ा पाव और भजिया। तो वड़ा पाव फैंस जो हैं, वो जो पुणे से ट्रैवल कर रहे हैं, अब स्टेशन से बाहर भी मना निकलिए, आपको स्टेशन के ही अंदर, पुणे के ही अंदर, पुणे स्टेशन के अंदर ही आपको ये ट्रक मिल जाएगी। तो इंडिया की जो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सेलिंग चेन है वड़ा पाव, जंबो किंग, बहुत ही फेमस है जंबो किंग, शायद आपने नाम भी सुना होगा। जंबो किंग ने अपना पहला फूड ट्रक पुणे स्टेशन पे स्टैब्लिश किया है, विद द हेल्प ऑफ IRSDC, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम पे आ गया हूं, और आपको यहां पे मेरे लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। ये मेरा ओरिजिनल चैनल, अभी 11,200 सब्सक्राइबर है, आप यही ज्वाइन करिएगा। एक फेक चैनल, मुझे नहीं पता इसमें क्या डाला जा रहा है। चलिए, मैं तो ये आपको बता ही चुका हूं, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो यार, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए स्टेशन पे होता क्या है ना, मेरे ख्याल में ये इतना बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि स्टेशन पे अच्छा खाना नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, अभी COVID-19 में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रतलाम में था, रतलाम में ट्रेन रुकी, मैंने खाना खाया वहां पे, उसके बाद मुझे छोले भटूरे से नफरत हो गई, वो इतना बेकार वाहियात था, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि किसी भी खाने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा बनाया था कि इंडियन रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे का वो नहीं था, वहां पे जो स्टॉल्स लगे होते हैं, मुझे इतना खराब लगा कि पैसे भी इतने ज्यादा लेते हैं, और एकदम वेस्ट है, पैसे की वेस्टेज है। तो इस तरीके के इनिशिएटिव हेल्प करेंगे, आपको खाना भी बहुत बढ़िया मिलेगा, साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी तो है ही। तो रेलवे पैसेंजर्स अब कॉम्बो डील्स जो मिलेंगी, उसमें क्या क्या होगा भैया? जंबो किंग का बर्गर तो बहुत ही टेस्टी होता है, फ्राइज होंगे, वड़ा पाव होगा, वड़ा पाव के ही यही जंबो किंग वैसे फेमस है, रैप्स होगा, कोक होगा, थिक शेक्स। ये आप आराम से रेलवे में जाइए, सफर करिए, बढ़िया। अगर आप कोंकण रेलवे, खैर पुणे में तो पूरा कसारा घाट, तो वो खंडाला वाला जब जाएंगे तो शुरू ही हो जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत है कोंकण रेल रूट, तो क्या कमाल का है, तो मजा भी लीजिए और खाते हुए जाइए। साथ ही साथ सुपर सेवर कॉम्बो पैक्स भी आपको जंबो किंग के मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट में, मतलब ये जंबो किंग ने बोला है। अभी अगर बात करें तो आपको पुणे रेलवे स्टेशन में 14 फूड स्टॉल मिलेंगे। और क्या क्या फैसिलिटीज है पुणे रेलवे स्टेशन पे? वेटिंग हॉल हर स्टेशन में होती है, डॉर्मेट्री हर स्टेशन में होती है, रिटायरिंग रूम। आपको एक और चीज मैं बताता हूँ, अक्सर मे भी हो सकता है बहुत लोगों के बात नहीं पता हो, IRCTC का एक ऐप, मतलब IRCTC का ऐप आप डाउनलोड करें, तो उसपे अगर आप डॉर्मेट्री बुक कराना चाह रहे हैं वो करा लीजिए। आपको बता दूं कि हम लोग शहरों में जाते हैं, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, तो महंगे महंगे होटल्स लेते हैं, ये डॉर्मेट्रीज जो हैं ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगी, 100-200 रुपए में आराम से बढ़िया आपको मिल जाएंगी। स्टेशन पे ही बुक करा लीजिए, सबसे, इसके बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। सबसे पहले तो आप स्टेशन पे ही रहेंगे, आपको अगले दिन ट्रेन पकड़नी है यहीं से पकड़ लो, फिर बहुत सस्ती होती है ये,
और बहुत बढ़िया होती है ये, ज्यादातर रेलवे स्टेशन में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, छोटे रेलवे स्टेशन में तो होगी नहीं, तो आप इनकी वेबसाइट या ऐप से आसानी से बुक करा सकते हैं। प्री बुक कराइएगा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। और रिटायरिंग रूम्स, अगर आपको बढ़िया रूम चाहिए तो रेलवे आपको रिटायरिंग रूम भी देता है, क्लोक रूम, आप अपना सामान रख सकते हैं, बुक स्टॉल तो हर जगह आपको मिल जाएगी, हेल्थ कियोस्क, पे एंड यूज टॉयलेट, ये भी आपको मिल जाएगा। वैसे आपको रेलवे में फ्री टॉयलेट भी मिलेंगे, पे एंड यूज थोड़े साफ होते हैं। SBI क्रेडिट कार्ड कियोस्क, ये भी आपको पुणे स्टेशन पे मिल जाएगा, ये हर जगह नहीं है, ये खाली बड़े स्टेशनों में। क्रेडिट कार्ड कियोस्क जो है ना, ये बहुत ही प्रीमियम स्टेशन में ही आपको मिलेंगे। ATM भी आपको हर स्टेशन में नहीं मिलेगा। वाटर वेंडिंग मशीन, ये देखिए, ये सारी फैसिलिटीज आपको पुणे रेलवे स्टेशन में मिलेंगी, मैं वैसे आपको पूरे इंडिया का बता रहा हूं। वाटर वेंडिंग मशीन तो हर स्टेशन पर लगभग आपको मिली जाती है। फिर पे एंड पार्क एक्सेट्रा, ये सारी फैसिलिटीज आपको पुणे रेलवे स्टेशन में मिलेगी। तो स्टेटमेंट IRSDC के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO संजीव लुहिया ने यह बोला है कि हमने वी हैव लॉन्च्ड सम ऑफ द फर्स्ट इन इंडियन रेलवेज लाइक AI2 वाटर कियोस्क। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आपको AI2 वाटर कियोस्क मिलेगा, फिट इंडिया स्क्वाड कियोस्क, डिजिटल क्लोक रूम, ये आनंद विहार स्टेशन पे, न्यू दिल्ली, आनंद विहार तो बेहतरीन स्टेशन है, कमाल का, वाकई में बहुत बढ़िया फील आता है। तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन में फिट इंडिया स्क्वाड कियोस्क, डिजिटल क्लोक रूम, कहने का मतलब यह है, देखिए IRSDC, अभी मैंने आपको बताया, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंडियन रेलवे के स्टेशन को डेवलप कर रही है, कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हम पैसेंजर्स को दे सकते हैं वो देख रही है। इसी के तहत इन्होंने पुणे रेलवे स्टेशन में फूड ट्रक ला के रख दी। अब आपको जो भी खाना है, फ्राइज खाने हैं, बर्गर्स खाने हैं, वड़ा पाव खाने हैं, पैसा दो और बिल्कुल अफोर्डेबल है, आराम से खाओ। ऐसा नहीं कि बाहर प्राइस, देखिए स्टेशन पे कुछ फैसिलिटीज तो थोड़ी महंगी मिलती ही हैं, वो ठीक भी है, लेकिन 4-5 रुपए अगर महंगा मिल भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, स्टेशन में क्या होता है ना कि जब आप वाटर बॉटल या कुछ भी खरीदें तो उसमें MRP जो लिखा होता है उसी हिसाब से ही पैसा दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि स्टॉल्स नहीं लेकिन ये 20 रुपए, मतलब MRP है बॉटल की, वाटर बॉटल की 15 रुपए की मिलती है वाटर बॉटल, और ये 20 रुपए, 5 रुपए ज्यादा चार्ज करते हैं, तो ऐसा मत करिए, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो IRSDC है वो फोर फ्रंट पे है, जब इंडियन रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है, आप ये तो छोड़ दीजिए प्राइवेट वाले को, लेकिन IRSDC शानदार काम कर रही है। तो ये है। अब दोस्तों, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, जैसे रेल मॉल्स, रेलवे स्टेशन के बगल में आपको बढ़िया सा मॉल मिल जाएगा, वो भी डेवलपमेंट, मतलब उसकी भी बात चल रही है, वो भी IRSDC जो है वो मतलब इसको प्लान कर रही है। तो फिलहाल पुणे स्टेशन पे आपको जंबो किंग मिलेगा। वैसे मेरी तो बिल्कुल दिली ख्वाहिश है कि सारे स्टेशन पे हो यार, क्योंकि कसम से बता रहा हूं यार, स्टेशन का खाना ना रेलवे दे रही है, रेलवे की कैटरिंग है तो बात अलग है, लेकिन भैया स्टेशन का खाना का रेलवे कैटरिंग नहीं दे रही है, भगवान बचाए, इन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम उनको पता है ना कि आप क्या है, अगर आप कितना भी खराब खाना दे दें आप वापस तो आएंगे नहीं, आपकी ट्रेन 20-15 मिनट में चली जाएगी, तो क्या फायदा है। 30 रुपए का अगर दे रहे छोले भटूरे या 50 रुपए की इडली दे रहे हैं जो कल की बासी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इस तरीके के इनिशिएटिव बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। फिलहाल ये छोटा सा लेक्चर था, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अच्छी खबर है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत तक नहीं होती साइनिंग ऑफ। तो अब जब आपकी पुणे से ट्रेन जाए ना, जैसे मान लीजिए कि आप पीछे से बैठे हुए हैं तो बहुत भूख लग रही है, स्टेशन पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो पुणे आने तक वेट कर लीजिए, पुणे में आपको जंबो केक मिल जाएगा, लेकिन भीड़ भी बहुत होगी वहां पे। थैंक यू सो मच।